तो यार ये थे कुछ मिथ। अगर इसके अलावा आपके कुछ मिथ हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और आपको ये भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो आपको क्या करना चाहिए। हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव चौधरी एंड यू आर वॉचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करा था इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, काफ़ी सारे मिथ होते हैं लोगों के अंदर, तो उन्हें हमने क्लियर किया था। एक मिनट, आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा ना यार, क्या कर रहे हो, आपने अब तक वीडियो नहीं देखा हो पहले जाके वो चैनल पे वो वाला वीडियो देखो। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो जाके देखो, उसके बाद आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, वरना तो ये वीडियो देखने का कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। पहले जाके वो वाला वीडियो देखो, देन ये वाला वीडियो देखना, और जिन लोगों ने देख लिया वो कंटिन्यू करो। तो यार मैं पहले एक छोटा सा रिकैप बताता हूँ कि हमने उस लास्ट वीडियो में क्या किया था, रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो यार लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मिथ अबाउट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को लेके जो हमारे अंदर कुछ मिथ होते हैं उन्हें हमने क्लियर कर दिया था। तो वो क्या क्या मिथ थे, सबसे नंबर वन पे था प्लेसमेंट को लेकर। हमारे अंदर प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी सारे मिथ थे, ये भी हमने क्लियर किया था। प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर मैंने कुछ बातें बताई थी, जॉब नहीं मिलेगी समझ गए, बस मौज करना है, ये भी समझ गए होगे। नहीं समझे तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वीडियो देख लो समझ जाओगे। लास्ट में अगर आपका कॉलेज बेकार है तो क्या करें, उसके लिए भी आई बटन पे लिंक है, देख लेना वो वाला वीडियो पार्ट वन। पहले पार्ट वन देखोगे तो पार्ट टू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने जाना था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं ये मैं आपको पहले बताता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अगर अपने कॉलेज के दौरान अपनी परफॉर्मेंस एकदम बेटर रखनी है या बेस्ट रखनी है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप एक कोई भी मतलब बीसीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, या बीए के स्टूडेंट है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए अपने कॉलेज के दौरान, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, आपकी परफॉर्मेंस अगर आपको बेस्ट करनी है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना यार तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और नीचे कमेंट करके बताया करो भैया आपकी वीडियो अच्छी लगी, भैया आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, भैया आपकी वीडियो में ये रह गया, भैया आपकी वीडियो में ये और ऐड कर लो, भैया आपकी वीडियो में थोड़ा सा और सुधार हो सकता है, भैया आप अपनी वीडियो में ये कर सकते हो तो और बेटर हो जाएगा। तो आप अपनी सजेशंस नीचे दे सकते हो। और एक और बात मुझे आपसे ये कहनी है कि यार आप में से अधिकतर लोग या मोस्टली लोग क्या बोलते हो, सर। यार सर क्यों बोलते हो, आप चाहे तो मुझे भैया बोल सकते हो, या फिर यार भैया भी क्यों बोलोगे, मैं आपके बराबर का ही हूँ, मैं आपके बिल्कुल ही बराबर का हूँ, ठीक है ना, कोई ना आपसे बड़ा हूँ ज़्यादा ना ज़्यादा छोटा हूँ, बिल्कुल बराबर का ही हूँ। तो आप मुझे चाहे तो डायरेक्ट गौरव बोल सकते हो, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप चाहो तो मुझे भैया बोल सकते हो, सर बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो मुझे भैया बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भैया, या फिर मेरे नाम से गौरव से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे आप अपने एक नॉर्मल फ्रेंड से बात करते हो ना, बस आपको मुझसे भी वैसे बात करना है, दोस्तों की तरह रहना है हमें, ठीक है ना। बस दोस्ती के लिए एक और चीज़ कर दो यार, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो, एकदम फ्रेंड, वो भी कौन से फ्रेंड, अच्छे वाले फ्रेंड, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, ठीक है ना। ऐसे फ्रेंड नहीं रहना जो बस पबजी खेलते हैं आपके साथ, मैं आपके साथ पबजी नहीं खेलूँगा, मैं आपको एक बेटर फ्यूचर दिलवाने में आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करने होंगी। तो इन झूठ पे से पर्दा हटाते हैं और जाते हैं हम अपनी सच्चाइयों की ओर, क्या चीज़ें हमारे लिए हैं इम्पॉर्टेंट, क्या चीज़ें हमें आगे सक्सेस दिलवा सकती हैं, क्या चीज़ें हमारे लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा ये सारी चीज़ें वो हैं जो चीज़ मैं सोचता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर हो सकता है आप कुछ और सोचते हो, कोई दूसरा बंदा कुछ और सोचता है, कोई तीसरा बंदा कुछ और सोचता हो, जो मेरी थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है आपको ये थिंकिंग अच्छी लगे। तो चलिए बात करते हैं। तो यार जैसा कि आप सभी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है या होने वाला है या कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा,
अगर आपकी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है तो आपको क्या करना चाहिए अपने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक? क्या आपको फर्स्ट ईयर में मौज मस्ती करनी चाहिए? यार अभी तो 12th में इतना सारा 12 12 13 13 घंटे IIT के लिए, NEET के लिए, इसके लिए, फलाना के लिए, ढिमकाना के लिए पढ़ के आए हैं, क्या आप भी मस्ती ना करें? या फिर आपको ढंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या आपको फिर से दिन रात 12 13 14 घंटे वाली पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? तो यार आपको दोनों में से कोई काम नहीं करना है, ना तो आपको एकदम मौज मस्ती करनी है, ना तो आपको एकदम मौज मस्ती करनी है, और ना ही आपको एक 12 13 14 घंटे वाली पढ़ाई शुरू दोबारा से स्टार्ट करनी है। आपको नॉर्मल 3 4 5 घंटे, 5 घंटा तो बहुत बोल दिया, 3 4 घंटे वाली स्टडी करनी है, और उस स्टडी के दौरान अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करना है। अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है और अपने आप में क्या क्या इम्प्रूव करना है वो आगे बताता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें करनी है फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर। इसके बीच के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से हमें करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना कि फोर्थ ईयर के बाद हमें ये चीज़ें पता लग रही हैं, हम फोर्थ ईयर के बाद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन कब पता लगते हैं? जब वो अपना 4 साल फूक चुके होते हैं आग में, उसके बाद उन्हें पता लगता है, यार काश मुझे ये कोई फोर्थ ईयर में बता देता, कोई मुझे ये फर्स्ट ईयर में बता देता, काश यार कोई मुझे ये फर्स्ट ईयर में बता देता, काश यार कोई मुझे ये सेकेंड ईयर में बता देता, तब पछताते हैं वो लोग। तो आपको ना पछताना पड़े इसीलिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो क्या क्या आपको करना चाहिए? नंबर वन पे, अगर आप CS IT या किसी भी ब्रांच से हैं ना यार, तो सबसे ज़्यादा आज की जनरेशन में जो डिमांडिंग चीज़ें हैं ना, आज के टाइम की जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें हैं वो है यार कंप्यूटर। तो आपको थोड़ी, अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को थोड़ा बहुत डेवलप करना ही चाहिए। आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए। अगर आप एक बायोटेक वाले भी हो ना यार, तब भी मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप सी तो एटलीस्ट सीख ही लो। एक सी प्रोग्रामिंग सीखने में आपको पता है कितना टाइम लगता है? अगर आपको मास्टर करनी है ना तो 1 महीना बहुत है, अगर आपको एकदम सुपर लेवल पे जाना है तो 2 महीना, 2 मंथ आप इसको दे देते हो ना तो आप इसमें मास्टर हो जाओगे। सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक प्रोग्रामिंग है। अगर आप बायोटेक के भी हो ना तब भी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि यार बहुत डिमांड है इसकी, आपकी जॉब में ना इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा ना कि आप वापस आके बोलोगे 4 साल बाद, भैया थैंक यू आपने बता दिया, इसीलिए आज मैं, मेरा प्लेसमेंट इतनी अच्छी कंपनी में इतने ऐसे पैकेज पे हो पाया है। तो यार ये बहुत ही अच्छी और ज़रूरी चीज़ है, प्रोग्रामिंग स्किल आपकी डेवलप आपको करनी चाहिए। और अगर आप CS IT वाले हो तो आपके लिए तो कुछ है ही नहीं भाई, प्रोग्रामिंग करो जितना हो सके उतना करो, दिन रात बैठे रहो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आपके लिए एक ये सबसे बड़ा जरिया है बहुत ही अच्छा कंपनी फोड़ने का, गूगल फोड़ने का, माइक्रोसॉफ्ट फोड़ने का। आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपनी तोड़ सकते हो यार, आप बढ़िया बहुत ही टॉप की ब्रांड वाली जो कंपनी होती है ना यार, जिसके कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू, यार उस कंपनी में जा सकते हो, आपकी पहचान बन सकती है। तो यार आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल भी अच्छे से डेवलप करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की। तो यार थर्ड ऐसी कौन सी चीज़ है? तो यार थर्ड जो है वो है मैनेजमेंट स्किल। अरे भैया क्या बोल रहे हो ये मैनेजमेंट स्किल, हम कोई MBA थोड़ी कर रहे हैं, हम BBA थोड़ी कर रहे हैं जो हमें मैनेजर बनना है, हमें तो कुछ और करना है, हमें तो इंजीनियरिंग करनी है ना, हम ये क्या करेंगे करके? तो भाई अगर आप BTech कर रहे हो या BCA कर रहे हो या BA कर रहे हो, आपके अंदर ये स्किल होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेस होना है, अगर आपको बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब पाना है, तो बोलोगे यार इसका क्या यूज़ होगा, मैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग करूँगा, मैं वहाँ पे कोडिंग करूँगा, है बस कोई प्रोग्राम में एरर निकालना है उसे सॉल्व करना है, ये करना है हमें, हम क्या करेंगे मैनेजमेंट स्किल लेके? तो दोस्त अगर आपको अपने बड़े लेवल पे जाना है, यानी जिस लेवल पे आप अभी हो उससे एक लेवल अप पे जाना है, तो आपके अंदर ये स्किल होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उस जॉब तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन उस जॉब के आगे भी तो आपको बढ़ना है ना, या अगर आपको उस जॉब तक ही पहुंचना है तो सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल ही काम नहीं आएगी, आपके अंदर मैनेजमेंट पावर भी होनी चाहिए, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको MBA करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने टीम को मैनेज करना आना चाहिए यार, लिखा हुआ है ना टीम मैनेजर,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंपनी में जाके आप अपनी पूरी टीम बना रहे हो, उसे मैनेजर मतलब उस कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप अगर अपने ही कॉलेज के अंदर या फिर अपने फैमिली के अंदर कोई भी चीज़ मैनेज कर पा रहे हो, अपनी आप क्या आप अपनी लाइफ को मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से? क्या आप अपने फोर्थ ईयर के दौरान, अपने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर के दौरान, क्या आपने अपनी स्टडी को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी मतलब अदर स्किल्स को अच्छे से मैनेज कर पाए, अच्छे से सबको एक साथ लेके चल पाए? तो ये ही होता है यार मैनेजमेंट पर स्किल। और कुछ मैनेजमेंट स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप जाके एमबीए कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, यही चीज़ होती है मैनेजमेंट स्किल, और इन्हीं चीज़ों को आपको डेवलप करना है। एक अच्छा गोल अचीवर वही होता है जिसके अंदर अच्छी मैनेजमेंट स्किल होती है। कि जो बंदा मैनेज करना सीख जाता है ना लाइफ के अंदर, वो बंदा हर कुछ सारी चीज़ें सीख जाता है। आपको मैनेज करना आना ही चाहिए। तो ये थर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो थी मैनेजमेंट। आपके अंदर ये स्किल होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक CS IT वाले स्टूडेंट के अंदर जितनी ज़रूरी प्रोग्रामिंग स्किल है ना, मैं मानता हूँ उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत मैनेजमेंट स्किल की भी है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो फोर्थ नंबर पे है यार कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब बोलोगे ये क्या है यार, क्या बोल रहे हो भैया आप, कम्युनिकेशन स्किल, अब इससे क्या मतलब है? आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 12th दिया होगा, 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, पास करके आए होंगे, कॉलेज में जाने वाले हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपके अंदर अभी, मैं ये मानता हूँ, हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जो आपके अंदर बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, मैनेजमेंट पावर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी आती हो, आप सब में एकदम टॉपर हो। तो वो बहुत कम बच्चे होते हैं या शायद ही कोई होता है। लेकिन एक जो मतलब ज़्यादातर क्राउड जिस फील्ड का होता है ना, जिस एरिया का होता है, और ज़्यादातर क्राउड जैसा होता है, मैं उन क्राउड की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि एक कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब तक 12th में होते हैं ना, हमें दुनिया की इतनी समझ नहीं होती, हम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर ही दिन भर पड़े रहते हैं, तो हम दुनिया को क्या समझेंगे। लेकिन हमारे कॉलेज के अंदर ना हमारे पास टाइम होता है, और ये टाइम ही ना बहुत बड़ी अच्छी चीज़ भी है और बहुत ख़राब चीज़ भी है। ये टाइम ही हमें बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है, और बहुत कुछ क्या, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें और बहुत कुछ ख़राब चीज़ें। इन टाइम के अंदर ही हम चाहे तो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, और इस टाइम के अंदर ही हम बहुत ख़राब चीज़ें भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें भी आपको पता है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और ख़राब चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो उस टॉपिक के अंदर, तो उस पर मुझे ज्ञान देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इस कम्युनिकेशन स्किल की। तो यार कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके अंदर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है इससे फ़ायदा, अगर आप, ये होता क्या है ये तो आप सभी जानते हो, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है ये मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ आपको, और इन सभी चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा ना ये मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपसे कम्युनिकेशन स्किल से आपको क्या प्रॉफिट होगा? तो यार अगर आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो अगर आप के अंदर मैनेजमेंट स्किल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं भी है ना, तब भी आप वो काम को आराम से कर लोगे। नहीं समझ में आया? सुनो, अगर आप एक बंदे हो और एक दूसरा बंदा है, और अगर आपको उससे कुछ काम निकलवाना है या उससे कोई काम करवाना है, तो वहाँ पे आपकी ना तो प्रोग्रामिंग काम आएगी, ना आपकी अच्छी कोडिंग काम आएगी, ना आपका मतलब कोई बुक काम आएगी, वहाँ पे सिर्फ काम आएगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मैनेजमेंट स्किल। आप किस तरीके से उसको, उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप किस तरीके से उसके साथ बात करते हो, आप कैसे उसे अपने काम के लिए मनाते हो, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना। तो आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पे है यार फिटनेस। आप बोलोगे यार ये सारे रामायण बोल दी, आज तो पका दिया आपने, अब ये लास्ट में आप फिटनेस से क्या कहना चाह रहे हो? तो फिटनेस से मेरा मतलब है कि आप एक बढ़िया डोले सोले बनाओ, आप मतलब एकदम जिम जाओ, दिन भर पाउडर वाउडर लो, एकदम बॉडी बना लो, और एकदम मतलब जॉन सीना बन जाओ, ठीक है ना भाई? ये ऐसा कुछ मतलब नहीं है मेरा, ठीक है ना? फिटनेस से मेरा मतलब है कि आप अंदर से तो फिट हो चुके हो, अगर आपने ये ऊपर की सारी चीज़ें करी ना, तो आप अंदर से तो एकदम फिट हो गए, लेकिन अगर आपको ऊपर से भी फिट होना है अच्छे से, अंदर से फिट होने का मतलब मेरा माइंड से है, आपका माइंड सेट अच्छे से हो चुका है, अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ना
आपकी फिटनेस, जो बॉडी की फिटनेस होती है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी की फिटनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डोले सोले बनाओ या कुछ और करो, या पाउडर लेने लगो, या जाके जिम में जाके एकदम मतलब डंबल उठा रहे हो या कुछ कर रहे हो, मतलब उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो आपकी हेडक है, अगर आप वो करना चाहो तो कर सकते हो, मैं उसमें आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन इस फिटनेस से मेरा क्या मतलब है कि आपको अपने आप को फिट रखना है। एक फिट बंदा इन सभी कामों को ना बहुत ही आसानी से कर सकता है। क्या डिफरेंस है एक फिट बंदे में और एक अनफिट बंदे में? एक फिट बंदा जो काम करने में कॉन्फिडेंस रखता है ना, वो एक अनफिट बंदा नहीं रखता। फिटनेस का मतलब यार मेरे लिए कॉन्फिडेंस है। अगर आप फिट हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। आप कभी भी गौर करना, अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो, आप कभी भी आपने 11th किए 12th किए, आप अच्छे से थोड़ा याद करो, आप अगर अपने क्लासरूम में बैठे हुए हो और एक बच्चा बाहर से एंटर करता है, आपके क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं या टीचर है क्लास के अंदर में, एक बच्चा आया क्लास, सारे बच्चों की नज़र क्या होती है उस स्टूडेंट पे चली जाती है जो वो क्लास के अंदर आ रहा होता है। जो बच्चा, अगर उस बच्चे के वो बच्चा फिट होता है एकदम, भले वो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हो, ये भले उसके अंदर कुछ भी ना आता हो उसे, लेकिन अगर वो बंदा फिट है, आप गौर करना इस बात को, अगर वो बंदा फिट है ना तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आएगा। और वहीं पे अगर वो बंदा फिट नहीं है, एकदम पतला सा सूखा सा है या बहुत ही मोटा सा है, तो देखना उसके कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका रहेगा। और जैसे जैसे वो क्लास के अंदर आएगा ना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएगा। तो यार ये फिटनेस जो है ना, आपके कॉन्फिडेंस को एकदम ऊंचा लेके चली जाएगी। जितने ज़्यादा आप एकदम फिट रहोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होने लगेगा ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मैनेजमेंट स्किल भी ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेगी। और प्रोग्रामिंग तो यार ये आपके ऊपर है, कितने अच्छे से आप करते हो। तो यार आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो 1% भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार आपको कोई भी डाउट हो या आपको कैसी लगी ये वीडियो, और नीचे कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना कि भैया आपको ये इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, या फिर आपकी वीडियो में मुझे ये चीज़ गलत लगी या ये चीज़ सही लगी। सही लगा वो भी बताओ, गलत लगा वो भी बताओ, बताना ज़रूर लेकिन कमेंट सेक्शन में। और यार मैं एक इसका थर्ड पार्ट भी लाने वाला हूँ, तो आप बताओ कि मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। वो थर्ड पार्ट मैं सोच रहा हूँ प्रोग्रामिंग स्किल के ऊपर मैं लाऊँ, तो मैं प्रोग्रामिंग स्किल के ऊपर मैं थर्ड पार्ट लाने वाला हूँ। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि वो वीडियो आपको कितनी जल्दी चाहिए, जितनी जल्दी बोलोगे मैं उतनी जल्दी उस पर काम शुरू कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।